संख्याओं को ऐड करना सीखेंगे, या आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, जिसका आज हम रिवीजन करेंगे। तो आप सब बच्चे अपनी मैथ की चौकड़ी वाली कॉपी और पेंसिल निकालिए और मेरे साथ लिखोगे। यहाँ पे आज की डेट डालिए और फिर यहाँ लिखिए 100 tens unit। बिना बॉक्स छोड़े लिखना है 100 tens unit। फिर इसके नीचे लिखो, मेरे साथ लिखोगे, बोलो 357। वापस हो जाओ 357। इसके नीचे लिखो 641। 641 लाइन बनाइए ऐसे। यहाँ पे प्लस का निशान लगाइए, इधर आ जाइए, यहाँ पे वापस डालो 100 tens unit। देखो 842। इसके नीचे लिखो 347। वापस हो गई 347। लाइन खींचिए, यहाँ पे प्लस का निशान लगाइए। या फर्स्ट क्लास में आपने ये सब कुछ पढ़ा था, उंगलियों पे काउंट करके ये सवाल करने हैं। तो आप सब बच्चे अब पेंसिल नीचे रखो और अपने इस हाथ की उंगली पे मैं एक बार बता रही हूँ, देखो काउंट करेंगे पहले 7 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके आगे 1 काउंट कीजिए, ये 1। अब वापस इनको सबको इकट्ठा ऐसे काउंट करेंगे, 1 उल्टा चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब 7 में 1 ऐड किया था कितने हो गए 8। तो ये हमने यहाँ लिख दिया 8। लिखो सब मेरे साथ 8। वापस से अपने हाथ पे गिनो, काउंट कीजिए ये 5 1 2 3 4 5। फिर इसके आगे काउंट कीजिए 4 1 2 3 4। और वापस इनको उल्टा काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 5 में 4 को ऐड किया तो कितने हो गए 9। तो यहाँ पे लिखो सब बच्चे ये 9। इसके आगे चलिए, देखो क्या काउंट करना है हमें, 3 1 2 3। इसके आगे काउंट कीजिए 6 1 2 3 4 5 6। अब उल्टा वापस काउंट करेंगे, उल्टा चलना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गए 3 में 6 को ऐड किया कितना हो गए 9। तो ये 9। वापस से देखो सब बच्चे चेक कर रहे हैं आंसर अपना, इधर आ जाओ। इसके सवाल का आंसर करते हैं यूनिट से, यूनिट से हमें शुरू करना है, ये से कोई नहीं करेगा। तो देखो पहले उंगलियों पे गिनो 2 1 2। अब 7 काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब उल्टा काउंट करेंगे वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 में जो 7 ऐड किया तो कितने हो गए 9। तो ये 9 यहाँ पे लिखो। फिर आगे 4, अपनी उंगलियों पे काउंट कीजिए 4। फिर आप उसके आगे 4 काउंट कीजिए, अब उल्टा गिनो इनको तो 4 में 4 को ऐड किया तो कितने हो गए 8। ये 8 देखो ऐसे वापस बता रही हूँ पे 1 2 3 4। अब आगे फिर 4 काउंट करेंगे 1 2 3 4। उल्टा काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 में 4 को ऐड किया ये 8 आ गया। इसके आगे गिनो 8 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके आगे काउंट कीजिए 3 1 2 3। अब उल्टा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जब 8 में 3 को ऐड किया तो कितना हो गया 11 10 and 1 11। तो ये 11 का 11 यहाँ लिख दिया। ये दो सवाल हो गए हमारे। अब आप सब बच्चे यहाँ पे HW डालो, ऐसे ही HW डालिए और वापस से यहाँ नीचे डालिए, यहाँ पे 100
कल फिर इसका हम आंसर चेक करेंगे। मैं आपको कल इनका